नमस्कार, मैं सरिता श्रीवास्तव आज बीएड प्रथम वर्ष के बच्चों को बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में बताने जा रही हूँ। आखिर बौद्धकालीन शिक्षा क्यों और कैसे प्रारंभ हुई भारत में? बौद्धकालीन शिक्षा ईसा से पूर्व 7वीं शताब्दी में वैदिक काल के हिंदू धर्म कर्म के कुछ दोष आने के कारण प्रारंभ हुई थी। वास्तविक धर्म का लोप हो गया वैदिक काल में, कर्मकांड और वास्तविक धर्म का लोप हो जाने के कारण लोगों में यज्ञ के नाम पर पशु बलि, तपस्या के नाम पर गृह त्याग, साधना के नाम पर शारीरिक यातनाएं होने लगी। ऐसी अंधकारमय स्थिति में ज्योति दिखलाने वाला एक क्षत्रिय राजकुमार था जिसको कि गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए हमेशा एक सी ही परंपराएं नहीं चलती। महात्मा बुद्ध का कहना था कि बलि और यज्ञ से जीव हिंसा होती है, इसलिए इस प्रथा का अंत होना चाहिए। वेदों को कंठस्थ करने के में समय नष्ट होता है। भगवान बुद्ध ने ऐसे धर्म सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो प्रत्यक्ष जीवन की वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण है। बौद्ध का परिचय उत्तर भारत के कपिल वस्तु राज्य में 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। पिता सुद्धोधन और माँ महामाया की कोख से लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। दंडपाणि नामक शाक्य की लड़की यशोधरा से इनका विवाह हो गया। उनसे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने जन्म मरण जरा व्याधि आदि दुख सहने के लिए ये सारी चीज़ें देखी और इसके उपाय खोजने का काम शुरू कर दिया। जरा, रोग तथा मृत्यु के दृश्यों ने सिद्धार्थ के अंतःकरण को झकझोर दिया। इन कष्टों से छुटकारा पाने के उपायों को जानने के लिए उन्होंने कठोर तप किया और ज्ञान प्राप्त किया, तभी से ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध के ज्ञान तथा उपदेशों का चार आर्य सत्य थे, जैसे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। महात्मा बुद्ध ने ये कोशिश की कि आखिर मानव शरीर को ये कष्ट, ये दुख, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ये ज्ञान पता करने के लिए वो अपना घर परिवार त्याग कर बाहर चले गए और शिक्षा की खोज की। जब उन्होंने शिक्षा और ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब उन्हें यह समझ में आया कि आखिर मनुष्य को ये दोष क्यों होता है, क्यों शरीर कष्टमय होता है, क्यों व्याधि आती है, क्यों जन्म और मरण होता है। तब उन्हें जब ये अंधकार उनके रास्ते से दूर हो गया, तब उन्हें ये समझ में आया, उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मनुष्य को ये सारे शारीरिक दुख सिर्फ अज्ञानता के कारण होते हैं। और जब उन्होंने क्या किया, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ये ज्ञान को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की। आखिर शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की? बौद्ध धर्म का विकास मठों में करते हुए उन्होंने इस शिक्षा की व्यवस्था की। बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया और जगह जगह मठ बनवाए। ये मठ न केवल धर्म के वरन शिक्षा के भी केंद्र थे और शिक्षा देने का कार्य उसमें निवास करने वाले भिक्षु द्वारा किया जाता था। इन तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने दो भागों में शिक्षा की व्यवस्था की। प्राथमिक शिक्षा, इसमें प्रवेश की आयु 6 थी। जातक कथाओं द्वारा ज्ञात होता है कि यह शिक्षा सभी धर्म के बच्चों को, यानी बौद्ध ने जो शिक्षा दी थी वो सभी धर्म के बच्चों को, चाहे वो बड़ी जाति के ब्राह्मण के हों या शूद्र जाति के बच्चे हों, सभी के लिए एक सी शिक्षा व्यवस्था की थी। यह प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षा ऐसी थी कि बच्चों को लकड़ी के तख्तों पर यह शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम क्या था? शिक्षा का माध्यम पाली था। अब उन्होंने उच्च शिक्षा की क्या व्यवस्था की? उच्च शिक्षा 12 की आयु में प्रारंभ की गई। इसकी अवधि 12 की होती थी, ताकि प्राचीन परंपरा के अनुसार जो कि आयु 25 की मानी जाती है, ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य आयु में ही क्या करना पड़ता है, बच्चे को शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से बुद्ध ने 12 की आयु को क्या बताया, उच्च शिक्षा की आयु बताया, और 12 तक की अवधि भी यह शिक्षा ग्रहण करने के लिए बताई, जिसके अनुसार 25 की आयु तक
बालक क्या करे, अपनी सारी शिक्षा ग्रहण करने के बाद व्यवसाय को ग्रहण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाए। मुख्य धार्मिक विषय साहित्य, त्रिपिटक और धम्म और विनय हुआ करते थे। बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या थी? बौद्ध धर्म, ये धर्म विशेष पर आधारित है, इसलिए क्या थी बौद्ध धर्म की विशेषताएं? ये विशेषताएं उन लोगों के लिए थी जो कि जो बालक जो बच्चे बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे। इन धर्म को या बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए, बौद्ध भिक्षु बनने के लिए क्या क्या परंपराएं और संस्कार दिए गए, ये बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं। पब्जा संस्कार, इसका अर्थ बाहर जाना। बाहर जाना यानी जब बालक क्या करता था, बौद्ध संघ को अपनाने जाता था या भिक्षु बनना चाहता था, उस समय बच्चे को बाहर जाना पड़ता था या अपना घर परिवार त्यागना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में जब वह घर परिवार त्याग देता था तब वह संघ में प्रवेश करता था। इसका अर्थ बौद्ध भिक्षु बनना था। यह संस्कार कितने 8 वर्ष की आयु में संपन्न हो जाया करता था। और फिर उसके बाद क्या होता था, उसके बाद जब वह संघ में प्रवेश कर जाता था तब उसे विनय पिटक की कार्य को अपनाना पड़ता था। अब विनय पिटक में क्या होता था, इसके अंतर्गत बच्चों को क्या करना पड़ता था, अपने बाल मुड़ाने पड़ते थे और पीले वस्त्र धारण करना पड़ता था और मठ में रहने वाले भिक्षुओं के चरणों में अपने मस्तक को स्पर्श करना पड़ता था और उनके सामने पालथी मारकर भूमि पर बैठ जाना पड़ता था। इसका सबसे बड़ा जो भिक्षु होता था वो उसको 3 बार यह शपथ दिलाता था। क्या शपथ थी ये? ये शपथ थी बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। इतना सब होने के बाद उपसंपदा संस्कार, ये की तीसरा संस्कार है। उपसंपदा संस्कार के अंतर्गत क्या होता था? उपसंपदा संस्कार के अंतर्गत क्या होता था, जो बालक अपनी शिक्षा ग्रहण कर चुकता था यानी जो नव शिष्य के रूप में प्रकट हुआ होता था, यानी वो शिष्य जो नव शिष्य के रूप में प्रकट होता था, उसकी शिक्षा जो बौद्ध धर्म को अपनाने की होती थी, यानी उसकी जो शिक्षा दीक्षा पूर्ण होती थी, वो 22 वर्ष की आयु में पूरी हो जाया करती थी। तो जो 22 वर्ष की आयु में बच्चा प्रवेश करता था तब वह उपसंपदा संस्कार को अपनाता था। तब क्या होता था, नव शिष्य के रूप में यह बालक 22 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र के लिए क्या करना पड़ता था, मठ को छोड़ना अनिवार्य हो जाता था। उपसंपदा संस्कार में बौद्ध धर्म के कम से कम 10 भिक्षुओं की स्थिति यानी उनकी उपस्थिति में उसे नव शिष्य के आचार्य के सामने उसे शिक्षा ये आश्रम या संघ छोड़कर मठ छोड़कर दूर जाना पड़ता था और अपने धर्म का प्रचार करना पड़ता था। अब शिक्षा की संस्थाएं कौन कौन सी होती थी? बौद्ध काल में मठों, विहारों, संघ, विश्वविद्यालयों आदि में शिक्षाएं दी जाती थी। इसमें निम्नांकित संस्थाएं प्रमुख थी, कौन कौन सी? बल्लभी, हाँ, विक्रमशिला, ओवंतपुरी, जगतदला, सभा संस्थाएं और तक्षशिला। अब बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा कैसी थी? बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा को भी स्थान दिया जाता था। वैदिक काल में अंतिम चरण में क्या था, 200 ईसा पूर्व से स्त्री शिक्षा की अवनति प्रारंभ हो गई थी, लेकिन जब बौद्ध आए तो बौद्ध के कारण इस शिक्षा को नवजीवन प्राप्त हुआ और स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होने लगा। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा कैसी थी? व्यावसायिक शिक्षा बौद्ध शिक्षा प्रधान थी, यानी कि क्या था, बौद्ध शिक्षा में बौद्ध साहित्य में हमको इस बात से पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि भिक्षुओं और जन साधारण को व्यावसायिक शिक्षा की अति उत्तम सुविधाएं दी जाती थी, जैसे हस्तशिल्प, सूत काटना, कपड़ा बुनना और वस्त्र सीने, ये सी शिक्षा दी जाती थी। कृषि, वाणिज्य, लेखन कला, पशुपालन, भवन निर्माण, मूर्ति कला, चित्रकला, ये सारी चीज़ें हैं। बौद्ध विहार, स्तूप, नालंदा और भी कई ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर क्या थी, चित्रकला की सुविधा थी। और अजंता और एलोरा जैसी जगहों पर क्या थी, भित्ति चित्र, मूर्तिकला और चित्रकला इस काल की क्या थी, प्रगति का आज भी साक्षी है या प्रमाण देता है। इस प्रकार की शिक्षा हुआ करती थी। चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी इस समय में। तब धन्वंतरी और चरक जैसे महान आयुर्वेदाचार्य भी इस युग की शिक्षा के प्रमाण मिलते हैं। बौद्ध काल में क्या था, बौद्ध काल की शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा में कैसी असमानता रखता था? वैदिक काल में सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था
नहीं थी, पर बौद्ध काल में क्या था, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था थी कि सब धर्म के लोगों को शिक्षा समान मिलती थी। वैदिक काल में क्या था, वेदों की शिक्षा मुख्य थी और संस्कृत भाषा में थी, लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा पाली भाषा में थी। और सिर्फ वेदों की शिक्षा नहीं थी, हर चीज़ की शिक्षा इसमें दी जाती थी। वैदिक काल में क्या था, सामान्य विद्यालयों का प्रचलन नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या था, विद्यालयों का और मठों का प्रचलन था। वैदिक काल में शिक्षक केवल ब्राह्मण थे, जो कि बड़ी बात है कि केवल ब्राह्मण शिक्षक हुआ करते थे वैदिक काल में, लेकिन बौद्ध काल में क्या था, सर्व गुण संपन्न यानी सर्व धर्म के लोगों को गुणों सहित होने के कारण सबको समान शिक्षा दी जाती थी। आप इसी के साथ ये वीडियो मेरा समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।